गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिविक टाइनी वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर केयर टिप्स के बारे में, इन्फेंट बेबी के लिए भी और एज वेल एज टुडलर के लिए भी। जैसा कि आप सब न्यू मॉम्स जानते हैं कि पहली सर्दी हो या फिर पहली गर्मी हो, वो इन्फेंट के लिए थोड़ा टफ रहता है कि चीजें आपको समझनी होती हैं कि कहीं बच्चे को ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शिविक टाइनी वर्ल्ड। तो सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट टिप होता है वो है समर क्लॉथिंग के बारे में कि किस तरह की क्लॉथिंग हम उसे पहना सकते हैं, किस तरह की क्लॉथिंग हमें उसे पहनानी चाहिए। तो सबसे बेस्ट है समर के लिए आप कॉटन के कपड़े पहनाइए, आप लाइट कलर के कपड़े उसे पहनाइए, थोड़े से ना ढीले कपड़े उसे पहनाइए ताकि हवा अच्छे से बॉडी को लग सके, हवा अच्छे से पास कर सके बॉडी में। तो इस तरह के अगर आप कपड़े उन्हें पहनाएंगे तो उनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। नाउ नेक्स्ट टिप है प्रोटेक्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो 6 महीने तक के बच्चे के लिए तो पानी बिल्कुल मना होता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो आप उसे पानी नहीं दे सकते हो। नॉर्मली आप देख सकते हो कि अगर उसके पी काउंट में कमी है, जैसे कि बच्चा दिन में 6 बार से अगर कम सुसु जा रहा है तो आप देख सकते हो कि हाँ उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर उसके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको इन्फेंट बेबी के लिए क्या करना है कि आप अपना ब्रेस्ट फीड जो भी दे रहे हो उसका एक नंबर ऑफ ब्रेस्ट फीड आप इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला दे रहे हो तो उसमें ऑलरेडी हाफ वाटर ऑफ फॉर्मूला होता है तो वो आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो, पर पानी आपको बिल्कुल नहीं देना है। बाकी टुडलर को आप कम्प्लीटली पानी दे सकते हो या फिर पानी के और भी बहुत सारे फॉर्म है, जैसे नारियल पानी बहुत ज्यादा फायदा करता है गर्मियों में। एंड उसके अलावा जूसेस आप दे सकते हो, फ्रेश जूस कोई भी बच्चे को दे सकते हो, तो इस तरह की चीजें आप दे सकते हो जिससे कि उसमें पानी की कमी पूरी होती रहे। सो नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप है लिमिट आउटसाइड एक्सपोजर। तो आपको कम से कम बच्चे को बाहर ले जाना है, स्पेशली सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में। ये एक पीक टाइम होता है समर्स का, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आगरा में मैं रहती हूँ तो यहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ती है। तो 10-6 के बीच में आप कम से कम बच्चे को लेकर जाओ बाहर। अगर आपको ले जाना भी पड़ रहा है तो आप एक वाटर बॉटल साथ में रखो, उसका सिपर साथ में रखो, या फिर उसके अलावा ना आप कैप लगाकर उसको रखो, प्रॉपर आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाकर उसको बाहर लेकर जाओ। पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आपको उसे बाहर इस टाइम के बीच में ले जाना ही ना पड़े। आप उसको हल्का सा सुबह की धूप दिखा सकते हो, जैसे सुबह सुबह स्ट्रोल के लिए ले जा सकते हो, या फिर अगर आपका बच्चा पार्क खेलने जाता है तो आप थोड़ा ध्यान रखो कि हाँ धूप कम हो गई है, जैसे 5:30-6 बजे के बाद आप उसको बाहर खिलाने के लिए ले जा सकते हो। नाउ मेरा नेक्स्ट टिप है कि हम हीट रैशेस कैसे अवॉइड करें। तो गर्मियों में बच्चों को बहुत ज्यादा डायपर रैश हो जाता है, बहुत जल्दी से डायपर रैश हो जाता है, हीट रैशेस हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप डायपर टाइम टू टाइम चेंज करें। गर्मियों का एक बेस्ट टाइम होता है बच्चे को डायपर फ्री रखने के लिए, क्योंकि सर्दियों में तो क्या होता है डबल पजामी पहनी हुई है, सॉक्स पहने हुए हैं, अगर उसने सूसू किया तो पूरे कपड़े गीले होते हैं और फिर बच्चे को ठंड भी लगने का डर रहता है। पर गर्मियों में ऐसा नहीं है, गर्मियों में आप बच्चे को डायपर फ्री रख सकते हो। हीट रैशेस के लिए भी यही आप कर सकते हो कि बच्चे को कम से कम बाहर लेकर जाओ, बच्चे को एक कूल एनवायरमेंट में आप रखो। जैसे अब नेक्स्ट है मसाज एंड बाथ के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि हम इन्फेंट बेबी को गर्मियों में डेली नहलाएं या नहीं नहलाएं, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप गर्मियों में बच्चे को, चाहे वो छोटा बच्चा है, इन्फेंट बेबी है, 6 महीने से छोटा बच्चा है, आप उसको डेली नहलाओ। पर चलो किसी दिन आप नहीं नहला पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि आराम से कॉटन लेकर या फिर कॉटन का रुमाल लेकर उसको पानी में डिप करके एटलीस्ट बच्चे का आप पूरी बॉडी अच्छे से पोंछ दो, उसके बाद उसके कपड़े पूरे चेंज कर दो। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको पता नहीं चल पाता है लेकिन बच्चे के बॉडी से पसीना निकल रहा है और वो उसके जो सबसे इनर क्लोथ्स उसने पहने हुए हैं, जो कॉटन की बनियान वगैरह उसने पहनी हुई है, उनमें वो लग जाता है। तो वो सबसे अच्छा है कि एटलीस्ट आप उसके कपड़े चेंज कर दो, अच्छे से उसको वाइप कर दो।
अदरवाइज आप डेली उसको नहलाओ, डेली उसको मसाज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है मसाज करने में। मैंने शिविर का डेली मसाज किया था। हाँ, ये आप देख सकते हो कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑयल हम यूज करें। मुझे किसी ने बताया था कि गर्मियों में देसी घी से आप मसाज करोगे तो वो बच्चे के लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो देसी घी है वो हल्का सा ठंडा होता है तो वो बच्चे को फायदा करता है। अदरवाइज आप वर्जिन कोकोनट ऑयल से भी बेबी की मसाज कर सकते हो, या फिर आप कोई मार्केट बेस्ड मसाज ऑयल भी यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलकम पाउडर के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि भर भर के टेलकम पाउडर गर्मियों में लगा देते हैं, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि टेलकम पाउडर की वजह से भी ना बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप टेलकम पाउडर लगा सकते हो, पर बहुत हल्का सा टेलकम पाउडर आप उसके मतलब बगल में लगा सकते हो, हल्का सा नेक एरिया पे लगा सकते हो, क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं इनमें ही सबसे ज्यादा पसीना आता है और गंदगी बनती है। तो आप हल्का फुल्का लगा सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बच्चे को टेलकम पाउडर में नहला ही देना है, उस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप है मॉस्किटोस। गर्मियां शुरू होते ही मॉस्किटोस अटैक शुरू हो जाता है और बच्चे को मॉस्किटोस बहुत ज्यादा काटते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को तो देखा होगा कि उनके हाथ पे पैरों पे बहुत ज्यादा निशान हो रहे होते हैं। तो मॉस्किटो से बचने के लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, पर इसमें मैं ब्रीफ में यही कहूंगी कि आप बच्चे को जब बाहर ले जा रहे हो तो उसको पूरे कपड़े पहना कर ले जाओ। घर में अगर आप बच्चा है तो जो खिड़की दरवाजे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बंद रखो, आप कोशिश करो कि मॉस्किटोज अंदर आए ही नहीं। अलावा आप मामा अर्थ वगैरह के कुछ अच्छे मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं वो भी यूज कर सकते हो, या फिर बच्चा आपके साथ बाहर खेलने जा रहा है तो वो एटलीस्ट आप वो 5 ड्रॉप्स ऐसे लगाते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, तो वो 5 ड्रॉप्स आप ऐसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज कर सकते हो। नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे राइट टेम्परेचर के बारे में। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि अरे छोटे बच्चे को आप एसी में नहीं रखो, छोटे बच्चे को कूलर में नहीं रखो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बच्चे को गर्मी में रखोगे तो वो उससे ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन राइट टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप मतलब ये डिपेंड करता है आपके रूम के साइज के ऊपर भी, जैसे हमारा रूम क्या है थोड़ा छोटा रूम है, तो हम जो एसी का टेम्परेचर रखते हैं वो गर्मियों में भी 25 या 26 टेम्परेचर रखते हैं, पर अगर आपका रूम बड़ा है तो आप 22 या 23 टेम्परेचर भी रख सकते हो। बेसिकली आपको बहुत ज्यादा ठंडा एक एनवायरमेंट भी क्रिएट नहीं करना है, पर बहुत ज्यादा गर्मी भी क्रिएट नहीं करना है। एक थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आपका रूम रहे, हल्का कूल रहे, तो वो बच्चे के लिए इजी रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर थोड़ा सा ध्यान रखो, जैसे कूलर है या फिर एसी है तो एसी की भी डायरेक्ट हवा बच्चे पर ना लगे और कूलर की भी डायरेक्ट हवा एकदम से बच्चे पर ना लगे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा जल्दी बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद ये शिविर के साथ एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह से जैसे कभी गलती से वो सो गया एसी में, डायरेक्ट उसकी हवा उसके ऊपर आ रही है तो बहुत जल्दी उसे कोल्ड एंड कफ हो गया है। एंड समर्स में कोल्ड एंड कफ को दूर करना भी एक बहुत बड़ा हेक्टिक जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।